हाय वेलकम बैक टू इंडिया कभी कभी मुझे लगता है कि एक अच्छा हेयर कट या एक अच्छा हेयर स्टाइल बनाने का क्या फायदा जब पहली चीज जो नोटिस होती है वो है मेरे ग्रे हेयर वेल मोस्ट ऑफ द डेज आई डोंट माइंड इट बिकॉज अभी तक मैंने परमानेंट हेयर कलर नहीं कराया है बट देर आर सम डेज जब मुझे लगता है कि काश मैं इस ग्रे हेयर प्रॉब्लम को फिक्स कर पाती ऐसा आपके साथ भी होता होगा इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक सुपर इजी और एक क्विक सॉल्यूशन जो ग्रे हेयर प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है इन लिटरली थ्री सेकेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक like जरूर करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ये है लॉरियल पैरिस मैजिक रीटच अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर पीपल लाइक मी जिन्हें चाहिए टेम्प्रेरी फिक्स टू देयर ग्रे हेयर प्रॉब्लम ये मेरे ग्रे हेयर को इंस्टेंटली कवर कर देता है इसके नोजल डिजाइन की वजह से इसे लगाना बहुत ही आसान है क्विकली ड्राई हो जाता है एंड ये स्टे करता है अप टू द नेक्स्ट हेयर वॉश एंड गाइज ये बॉटल इतनी लाइट है कि आप इसे अपने हैंड बैग में इजिली कैरी कर सकते हो मेकिंग इट ट्रेवल फ्रेंडली एंड जस्ट बिफोर यूर रेडी टू मेक एन एंट्री इन टू पार्टी और द नेक्स्ट इवेंट जो स्प्रेड ऑन योर ग्रे हेयर एंड योर ग्रे हेयर प्रॉब्लम इज फिक्स नो वंडर दिस प्रोडक्ट इज सो पॉप्युलर एंड एक्सेसिवली यूज इंटरनेशनली एंड सो मेनी इन्फ्लुसेज आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट तो आइए देखते हैं लॉरियल पैरिस मैजिक रीटच को यूज कैसे करना है सो गैज दिस इज माई नेचुरल हेयर राइट नाउ मैंने शैम्पू कंडीशनर उसके बाद सिरम एंड देन आइनिंग करी हुई है अपने बालों में और ये बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है एंड यू कैन क्लियरली सी माई ग्रे हेयर इन दिस सेक्शन सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट हमेशा ड्राई स्टाइल्ड हेयर पे ही आपको यूज करना है वेट हेयर पे आप इसे कभी मत यूज़ कीजिए एंड नाउ लेट्स अप्लाई इट प्रोडक्ट को लगाने से पहले बॉटल को आप शेक कर लीजिए उसके बाद 10 सेंटीमीटर अवे इसे होल्ड करके आप लाइट स्प्रे कीजिए ऑन द ग्रे सेक्शंस जो आप कवर करना चाहते हैं एक बार स्प्रे करने के बाद आप इसे ड्राई होने दीजिए फॉर अप टू अ मिनट और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना नेचुरली आपके बालों के साथ ब्लेंड हो जाता है एंड ऑल्सो मेक्स देम लुक हेल्दी एंड शाइनी सो गाइज दैट इट दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर द एप्लीकेशन इतना ईजी और इतना क्विक था इसे यूज करना मैं आपके लिए यहाँ पे एक बिफोर आफ्टर शॉट भी डाल देती हूँ सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस दैट इट हैज़ क्रिएटेड मैंने यहाँ पे जो शेड यूज किया वो है डार्क ब्राउन इसमें ब्लैक भी अवेलेबल है बट ये मेरे बालों के साथ ज्यादा नेचुरल लगता है सो आई यूज दिस इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड प्रोडक्ट क्लेम्स की बात करते हैं नंबर इट हैज़ नो अमोनिया नॉट हार्मफुल फॉर योर ये नंबर टू ये स्मज प्रूफ है एंड नंबर थ्री नो ट्रांसफर सो इसकी माइक्रो डिफ्यूजर की वजह से ये उस पर्टिकुलर एरिया पे ही टारगेट करता है जहां आप चाहते हो तो ये आपके हाथों पे या आपके फोर हेड पे बिल्कुल नहीं आता एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्राइस एंड अवेलेबिल रुपीज टू हंड्रेड नाइन प्लेटफॉर्म है और अपने ग्रे हेयर को क्विकली कवर करना चाहते हैं या फिर आपका हेयर कलर फेड हो गया है सलोन जाने का टाइम नहीं है और थोड़ा टचअप तो करना है तो ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई कीजिए इट इज एन इंस्टेंट फिक्स टू योर ग्रे हेयर प्रॉब्लम एंड इट हार्डली टेक्स एनी टाइम आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बालों को कलर क्यों नहीं करा लेते आपके इतने ग्रे हेयर है दिखते हैं वेल well, जब ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जो इंस्टेंटली चीजों को फिक्स कर दें तो प्रॉपर हेयर कलर कराने की अभी तो जरूरत नहीं है सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वीडियो टू बी हेल्पफुल इस को ज्यादा ज्यादा से जादा लोगों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए बिकॉज इस प्रोडक्ट के बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है सो वी कैन डेफिनेटली हेल्प दम आउट और ये प्रोडक्ट लगाने के बाद जो मेरी ब्यूटिफुल पिक्चर्स आती हैं उन सबको मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ दिस इज माई इंस्टाग्राम आई डी प्लीज फॉलो there thank you bye-bye